नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 1723 जुलाई तक हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओप्पो इंडिया ने कहाँ पहली पीपीपी आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है? केरल में। हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? मोक्ष राय ने। हाल ही में भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना ने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी? दिल्ली ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? ओडिशा ने। हाल ही में किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? डीडी स्पोर्ट्स ने। हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन का अनावरण कहाँ किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरंग। हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? रविंद्र बसंटू को। हाल ही में किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना की है? आईडीबीआई बैंक ने। हाल ही में किसे रेल सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है? मनोज यादव को। हाल ही में किस देश में जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है? चीन में। हाल ही में किस आईआईटी भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? आईआईटी गुवाहाटी के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? राजस्थान ने। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षा के 25 महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश पॉल को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हिमाचल ने। हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात ने। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? थलपली प्रदीप ने। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? निर्वृति राय ने। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा? भारत में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? ओडिशा ने। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर की एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पुनिया को। हाल ही में किसने हंगरी के सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? श्रीलंका ने। हाल ही में जारी हैनलेप पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर ने। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई को ने। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कुलोत्सव का उद्घाटन किया गया? श्रीनगर ने। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है? केरल ने। हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? राजय कुमार सिन्हा ने। हाल ही में कौन खाद्य सुरक्षा
नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत ने। हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृति सौंपी है? अमेरिका ने। हाल ही में टाटा समूह कहाँ ईवी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित कर गई? यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन से इस पर रहा? तमिलनाडु ने। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? अरुणा साईराम और शशांक सुवर्ण मरियम को ने। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई ने। हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? सात्विक साईराज ने। हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%। हाल ही में भारत और किस देश ने नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? इंडोनेशिया ने। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को ने। हाल ही में महाराष्ट्र की किस जगह PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया है? अमरावती में। हाल ही में कहाँ काकीडाका वायु वाली समारोह शुरू हुआ? केरल में। हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी की राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? शमीना सिन्हा को। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक ताइना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? अर्जेंटीना के। हाल ही में कहाँ चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कांगो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा ने। हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में डॉक्टर मांगला नालिकर का निधन हुआ? वे कौन थी? गणितज्ञ ने। हाल ही में किसने नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने। हाल ही में किस देश में स्थित लौर संग्रहालय चर्चा में रहा? फ्रांस में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाली रॉकेट लॉन्च किया है? चीन ने। हाल ही में किसने ए फूल्स जर्नी नकाम पुस्तक लिखी है? राशिका भारद्वाज ने। हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? बैंकॉक में। हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग ने। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? 16 जुलाई को ने। हाल ही में कहाँ वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? मंगोलिया। हाल ही में जापान दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? अमेरिका ने। हाल ही में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाएगा? उत्तराखंड में। हाल ही में अंडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड में। हाल ही में जेन बेकरिंग का निधन हुआ? कौन थी? अभिनेत्री थी ने। हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE के साथ ने। हाल ही में विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में चर्चा में रहा हाथनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस कब मनाया गया है? 17 जुलाई को ने। हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बना ने। हाल ही में स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र चंद्र अश्विन ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं? जापान ने। हाल ही में कौन 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन
कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा गोवा ने। हाल ही में केंद्र ने राज्य को PMAY ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में भारतीय टीम ने 64वीं अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं 2 ने। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है फ्रांस ने। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में डायरेक्टर कौन है पी बीरमुथुवेल ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक ने। हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है तमिलनाडु ने। हाल ही में किस राज्य के कालेश्वर परियोजना को फिर से चालू किया गया तेलंगाना में। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है 15 जुलाई को ने। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन की 7वीं डिप्टी NSA बैठक कहाँ आयोजित हुई है मालदीव में ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को ने। हाल ही में मुरकुर्थि राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा यह कौन से राज्य में है तमिलनाडु में। हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर एशियान देशों की मेजबानी कौन करेगा भारत ने। हाल ही में रेजपे ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है मलेशिया में ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है फ्रांस ग्रैंड ऑफ फ्रांस द लीजन ऑफ ऑनर से ने। हाल ही में किसने नोटबुक LM नामक नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है गूगल ने। हाल ही में कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है उड़ीसा को। क्रिकेट के लिए इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने रविंद्र अश्विन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है फांसी के साथ ने। हाल ही में किसने अपनी नई AI फर्म xAI की शुरुआत की है एलन मस्क ने। हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं 11 ने। हाल ही में किस राज्य में मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में ने। हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है ONGC। हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है भारत ने। हाल ही में किस देश की सैन्य परेड प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है फ्रांस में। हाल ही में GST काउंसिल की 85वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है 28% ने। हाल ही में ITC लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है संजीव पुरी को ने। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निर्देशक कौन बना है झरीना घोष ने। हाल ही में भारत की पहली AI एंकर लीसा का आवरण कहाँ किया गया है ओडिशा में ने। हाल ही में उज्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना है शौकत मिर्जी योन ने। हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है भूटान ने। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है IIT गुवाहाटी। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।